धनबाद जिले में बिजली और पानी की समस्या को लेकर बीजेपी के विधायक राजसेना सड़कों पर उतर गए हैं। जिले में पानी और बिजली की समस्या को लेकर विधायक राजसेना 72 घंटों का धरना रणधीर वर्मा चौक पर शुरू कर दिया है। रघुवर दास की सरकार में किस प्रकार से पानी बिजली की जो समस्या थी दूर हो गया, लेकिन वह पूरी तरह फेल हो चुकी है। सरकार कहती है कि मेरे पास पैसा नहीं है, जनता के बीच जा करके कि भाई हमको पैसा देगा, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री किया था कि हम रोजगार देंगे, पूरा झारखंड को स्वर्ग बना देंगे, लेकिन आए उसको उस पर ला करके खड़ा कर दिए। पानी बिजली नहीं दे पा रहे, आपसे नहीं संभल रहा है तो आप गद्दी छोड़ दीजिए, हो गई है। और 10 रुपया पेट्रोल डीजल पर कम करने का काम किए थे, लेकिन ये नियम लेकर के आ गई है जिससे कि आम जनता को कोई फायदा नहीं। ऐसी योजना ला कर करके पेट्रोल डीजल में 25 रुपया जो पेट्रोल में सब्सिडी देने का काम कर रहे हैं, यह अधर दूर दूर करे, आप गद्दी से उतर जाए और आप ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं कि डीवीसी नहीं दे रहा। अरे भैया, जब हेमंत रघुवर दास की सरकार थी तो डीवीसी को, अब आपकी प्रबंधक की, भैया हमको ऐसी सरकार की जरूरत नहीं है। आप एक समस्या बिजली जैसी जो गंभीर मुद्दा, बच्चे को पढ़ने के लिए पानी, बिजली नहीं रहने के कारण पानी नहीं आ पा रहा, तो हमें ऐसे सरकार की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे लेने का काम कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें, जनता तक, जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता। उस्ताद आपत में पड़ी है जान, उस्ताद उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से, अरे वाह आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।